टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर हम ऑर्डर्स पे चले जाएंगे, सेक्शन 58 तक करते हैं। अच्छा जी, हमने पढ़े थे इसके सेक्शन 46 तक पढ़ लिया था, प्रिसेप्ट 47 तक, 47 तक हमारे सेक्शन हो गए थे। और आज हम स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन नंबर 48 से, एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टन केसेस। अच्छा, आवाज आपको क्लियर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का है, जरा सा शोर शोर तो नहीं आ रहा अब तक? ओके, सेक्शन 48 जो है ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है कि कब डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं करवाई जा सकती। एग्जीक्यूशन बार्ड, ये लिमिटेशन की बात आ रही है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन अब ये नहीं होगा कि सूट फाइल करने के लिए तो हम लोग लिमिटेशन का ख्याल रखेंगे, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो लिमिटेशन का ख्याल रखा जाएगा। डिग्री पास होने के बाद जो डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है, इनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। बल्कि जो एग्जीक्यूशन करवानी है वो भी अगर विद इन टाइम करवाई जाएगी, तो बाकी जो भी पीछे तक सूट फाइल करने से अब तक जो रेमेडी उसको मिली है उसका फायदा हो सकता है। अगर एग्जीक्यूशन विद इन टाइम गई तो उसका कोई फायदा नहीं है। माइक अपना प्लीज ऑन कर लें। कौन नहीं है? अच्छा जी, सेक्शन 48, व्हेन एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री नॉट बीइंग अ डिक्री ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, यानी कि कोई ऐसी डिक्री नहीं होनी चाहिए जिसने कोई जिस पे कोई जो है वो इंजंक्शन ले लिया गया हो। हैज बीन मेड नो ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेम डिक्री शैल बी मेड अपॉन एनी फ्रेश एप्लीकेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 ईयर्स। अमूमन जो डिक्री एग्जीक्यूट करवाने का पीरियड होता है वो अमूमन होता है 3 साल। 3 साल के अंदर अगर आपने एग्जीक्यूशन फाइल कर दी है और उसके बाद उस एग्जीक्यूशन पे किसी तरह का कोई भी कोर्ट ने कोई मतलब आपने इसको फॉलो नहीं किया या उसकी एग्जीक्यूशन किसी तरह स्टॉप कर दी गई है, इंजंक्शन ना हो उस डिक्री के ऊपर, कोई स्टे ना ले लिया गया हो एग्जीक्यूशन पर, स्टे ना लिया गया हो बल्कि वैसे ही एप्लीकेशन दे दी आपने उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, फिर उसको फॉलो नहीं किया या फिर वो चलती रही, ऐसी चलती आ रही है और उस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में आपकी जो लिमिटेशन है वो 6 साल हो जाएगी। यानी पहले 3 साल के अंदर अंदर आपने एक बार एप्लीकेशन दे दी एग्जीक्यूशन के लिए, अब अगर वो जो एप्लीकेशन है वो अगर वैसे ही चलती रही है, उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, तो मज़ीद 3 साल आपके पास होंगे एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए। और अगर आप 3 साल तक कोई एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो फिर आपकी जो लिमिटेशन है वो ख़त्म तसव्वुर की जाएगी। लिमिटेशन आपको सिर्फ इस सूरत में मिलेगी अगर पहले 3 साल में आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की होगी। अब 6 ईयर्स जो हैं ये स्टार्ट कब होंगे? 6 साल का जो टाइम यहाँ पे दिया गया वो स्टार्ट कब से होगा? द डेट ऑफ द डिग्री सॉट बी एग्जीक्यूटेड, जिस दिन डिग्री जो है वो पास हो चुकी है उसके बाद ये 6 साल हैं। लेकिन उसके बाद 3 साल ही हम कंसीडर करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन हमने 3 साल के अंदर अंदर देनी है। नंबर 2,
Clause B. Where the decree or any subsequent order directs any payment of money or the delivery of any property to be made at a certain date or at recurring periods, the date of the default in making the payment or delivery in respect of which the applicant seeks to execute the decree. अब जिस दिन जो डिग्री होल्डर है उसने डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए या एप्लीकेशन उसने फाइल कर दी या फिर फाइल करने से पहले कोर्ट ने डिग्री में ऑर्डर किया था कि फलां डेट तक या इतने टाइम के अंदर अंदर जो अपना है जजमेंट डेटर है वो डिग्री की रकम डिग्री होल्डर को पे करेगा. अब उस डेट तक जजमेंट डेटर कोई पेमेंट नहीं करता अगर तो वो मनी और डिग्री थी कोई पेमेंट नहीं करता और अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिग्री थी तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करता. जो लास्ट डेट कोर्ट ने मेंशन की होगी अपनी डिग्री में उस डेट से फिर हम 6 साल काउंट करेंगे क्लास बी के तहत. पहली जिस दिन डिग्री पास हो गई उस दिन और दूसरा ये कि अगर कोर्ट ने कोई डेट मेंशन की थी कोई टाइम फिक्स किया था डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए या फिर पेमेंट ऑफ मनी के लिए तो उस डेट पर अगर जजमेंट डेटर पेमेंट नहीं कर सका और प्रॉपर्टी भी डिलीवर नहीं कर सका तो ऐसी सूरत में उसी डेट से 6 साल का पीरियड जो है वो हम काउंट करेंगे. Nothing in this section shall be deemed to preclude the court from ordering the execution of a decree upon an application presented after the expiration of the said term of 6 years where the judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of the decree at some time within 6 years immediately before the date of the application. Ab yahan pe एक्सेप्शन जो है वो भी दे दी गई है. एक्सेप्शन यहाँ पे क्या दे दी गई है कि अगर जजमेंट डेटर ने किसी फ्रॉड की वजह से जजमेंट डिग्री होल्डर से ये कह दिया कि बस इतनी इतने टाइम में तुम्हारे लिए हम जो है वो पेमेंट कर देंगे या डिलीवरी कर देंगे उस प्रॉपर्टी की लेकिन उसे टालमटोल में रखा उसके साथ कोई फ्रॉड कर दिया या उसको जबरदस्ती रोक दिया गया था कि वो एग्जीक्यूशन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करे तो ऐसी सूरत में उसके जो 6 साल होंगे वो वहाँ से स्टार्ट होंगे जब उसको उस फ्रॉड का इल्म होगा या फिर जब वो इस काबिल हो जाएगा कि 6 साल का जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है वो फाइल कर दे. Clause B to limit or otherwise affect the operation of Article 183 of the First Schedule of the Limitation Act. Clause B जो है ये हम section पढ़ रहे हैं section 48 of CPC. अच्छा क्लॉज यहाँ पे जो सब सेक्शन 2 है उसके क्लॉज ए की समझ आ गई कि कोर्ट को रोक नहीं सकता कोर्ट को जो है वो रोका नहीं जा सकता कि अगर किसी फ्रॉड की वजह से या फोर्स की वजह से जो प्लेंटिफ था डिग्री होल्डर था वो किसी वजह से अगर डिग्री की एग्जीक्यूशन फाइल नहीं कर सका और बाद में उसको अंदाज़ा होता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ था और फिर वो आके कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करता है एप्लीकेशन और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो फिर कोर्ट इसकी एग्जीक्यूशन को एंटरटेन कर सकती है. और दूसरा क्लॉज भी जो है वो कहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट माइक ऑफ करें भाई
अगर अपील फाइल हो जाएगी तो फिर अपील का जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाएगी उस टाइम तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो अपील होती है वो कंटिन्यूटी ऑफ सूट कहलाती है। और जब अपील डिसाइड हो जाएगी, जिस दिन जो भी उसका डिसीजन आएगा उस दिन के बाद से एग्जीक्यूशन का पीरियड स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आर्टिकल 183 की बात हो रही है। 183 जो है लिमिटेशन एक्ट का, 183 को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर कोई डिग्री है तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 48 की जो यहाँ पे लिमिट दी गई है ना, 6 इयर्स, कहते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डिग्री पर ये लागू नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन 49 पे, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी होता कौन है? जिस शख्स को डिग्री ट्रांसफर कर दी जाए, जैसे डिग्री होल्डर ने किसी की कोई प्रॉपर्टी देनी है या फिर उसने किसी की रकम अदा करनी है और एक कोर्ट जो है वो उसके हक में डिग्री पास कर देती है। अब उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो वो क्या करेगा कि जो डिग्री कोर्ट ने उसके फेवर में पास की है वो वही डिग्री उस जो क्रेडिटर होगा उसको दे देगा। तो जो क्रेडिटर जिसको डिग्री उसने ट्रांसफर करनी है वो कहलाएगा ट्रांसफरी। एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री शेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी विच द जजमेंट डेटर माइट हैव बीन फोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री होल्डर। यहाँ पे ऑर्डर 21 एंड रूल 16 जो है वो आप इसके साथ मिला के पढ़िएगा। और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 132, ऑर्डर 21, रूल 16, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन है 132। एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री शेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी विच द जजमेंट डेटर माइट हैव इनफोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री होल्डर। ट्रांसफरी जो है उसको भी सेम वही हकूक हासिल हो जाएंगे, वही हैसियत हो जाएगी जो कि ओरिजिनल डिग्री होल्डर की होती है जजमेंट डेटर के हवाले से। जिस तरह ओरिजिनल डिग्री होल्डर किसी जजमेंट डेटर के खिलाफ अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम राइट्स रखता है, इसी तरह से जो ट्रांसफरी होगा उसे भी सेम वही हकूक हासिल होंगे और वो उसी तरह से लीगली उस डिग्री को जजमेंट डेटर के खिलाफ एग्जीक्यूट करवा सकता है। उसके बाद चलते हैं ऑर्डर सेक्शन 50 पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है ये होते कौन है? वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिग्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड, द होल्डर ऑफ द डिग्री मे अप्लाई टू द कोर्ट व्हिच पास्ड इट टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। अब एक शख्स ने डिग्री हासिल कर ली, उसकी एग्जीक्यूशन भी फाइल कर दी जजमेंट डेटर के खिलाफ, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री द जजमेंट डेटर डाइस। अब जजमेंट डेटर की तो हो गई डेथ, अब डिग्री किसके खिलाफ एग्जीक्यूट करवाई जाएगी? तो यहाँ पर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। हम लोग यही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में कहाँ पढ़ के आए हैं? ऑर्डर 6 में, 7, 8 में, के जो सूट फाइल किया जाएगा या फिर डिफेंस में जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो उसमें हम नाम देते हैं, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम वहाँ पे देंगे उस लिस्ट के मुताबिक।
ये जो लिस्ट होती है ये कहाँ तक चली जाएगी, ये सूट में भी, अपील में भी, रिवीजन में भी ये चलती जाएगी, एग्जीक्यूशन में भी ये चलती जाएगी, जब तक कि इसमें चेंजेस ना की जाए। तो अब यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दी गई थी उसी लिस्ट को सामने लाया जाएगा और फिर वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीज पर्सन के होंगे उनके खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जा सकेगी। ये आप साथ इसके ऑर्डर 21 रूल 22, ऑर्डर 21 एंड रूल 22, इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव पीछे इसकी जो डेफिनेशंस हैं सीपीसी का जो सेक्शन 2 है उसकी क्लॉज 11 में भी डिफाइन किया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ये दोनों आप इसके साथ मिला के लिख सकते हैं। सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं इसका जी, ऑर्डर 8 में भी है। ऑर्डर 8 में डिफेंडेंट की बात की गई है, लीगल डिफेंडेंट जो है उसने लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करनी है, और ऑर्डर 6 या 7 जो है उसमें प्लेंटिफ के बारे में बात की गई है। एक रूल नंबर 13 है और एक जो है वो रूल नंबर 26 है। ये हम लोग सेक्शन 50 पे हैं रोजीना, सेक्शन 50 हम लोग पढ़ रहे हैं सीपीसी का। अच्छा जी, सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे। वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही शैल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज्ड which has come to his hands and has not been duly disposed of, and for the purpose of ascertaining such liability, the court executing the decree may, of its own motion or on the application of the decree holder, compel such legal representative to produce such accounts as it thinks fit. अब जो जजमेंट डेटर था उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसकी के खिलाफ उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाना था, लेकिन डिसीज्ड पर्सन की डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर हो गई आगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसके बीवी बच्चों के पास, या फिर कोई भी शख्स जो उसका लीगल रिप्रेजेंट जिसको जो उसको लीगली रिप्रेजेंट कर रहा था। अब उसकी जितनी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंट के हाथ आई है उस लीगल रिप्रेजेंट के खिलाफ वो जो डिक्री है उसी हद तक एग्जीक्यूट की जाएगी जितनी हद तक उसके हाथ में प्रॉपर्टी आई है। जैसे एक जजमेंट डेटर के खिलाफ 10 किले जमीन थे, 10 किले जमीन जो हैं अब उसके खिलाफ जो प्रॉपर्टी जो एक डिक्री एग्जीक्यूट करवानी थी वो आ जाती है 5 किले, 5 किले की हद तक डिग्री एग्जीक्यूट करनी थी और 10 किले उसकी टोटल जमीन है। जब ये जमीन बांटी जाएगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में तो हर किसी का अपना अपना जो शेयर आएगा उस शेयर के मुताबिक ही उन्होंने डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है। और अगर अगर ये जो डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जा रही है उसके खिलाफ अगर उसने वो प्रॉपर्टी ड्यूली डिस्पोज ऑफ नहीं की, मतलब उसका कोई कर्जा वगैरह भी था डिसीज्ड पर्सन का, और कर्जा वगैरह उतारने में जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी खर्च हो गई, अब वो आके कह देता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है जो शख्स है वो आके कहता है कि जी इतना इतना कर्जा था वो तो हम लोग उतार चुके हैं, अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है डिसीज्ड पर्सन की जिसके खिलाफ आप एग्जीक्यूशन करवाएंगे, तो फिर जो जज डिग्री होल्डर होगा वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है या कोर्ट अपनी इंस्टांस पर भी उसको कह सकती है कि हिसाब किताब दिया जाए जितनी प्रॉपर्टी उसके हाथ आई और जहाँ जहाँ पे उसने कर्जे दिए उस प्रॉपर्टी से या उस प्रॉपर्टी का जो भी इस्तेमाल किया गया है उसकी वो तमाम अकाउंट्स उससे मांग लेता है, मांग लेगी कोर्ट या फिर डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देगी।
जी क्लियर हो गया सेक्शन 50। उसके बाद है एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर। एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर है कि एग्जीक्यूशन कैसे करवाई जाएगी। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। कंडीशंस एंड लिमिटेशंस यानी उसकी जो एग्जीक्यूशन की जो लिमिटेशन है उसको देखा जाएगा, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होनी थी। इन तमाम कंडीशंस और लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए जो जो बयान कर दी गई हैं, कोर्ट जो है वो डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पर उसके लिए जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो जारी कर देगी। अब एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकती है वो आगे लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन तो करवानी है लेकिन उसके तरीकाकार क्या है। बाय डिलीवरिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत जो सूट फाइल किया गया था और वो प्रॉपर्टी डिक्री की गई है तो वही प्रॉपर्टी कोर्ट ने डिक्री होल्डर को दिलवानी है। बाय अटैचमेंट एंड सेल और बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सेल करके भी उसकी डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है, उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, या फिर अटैचमेंट के बगैर भी उस प्रॉपर्टी को सेल उसकी जो है वो करवाई जा सकती है। जजमेंट डेटर के पास रकम नहीं है देने के लिए लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसकी उतनी प्रॉपर्टी उस हद तक अटैच करके उसकी उसको सेल करके जो भी उसकी कीमत जो कि उस डिग्री के बराबर होगी वो जज डिग्री होल्डर को दे दी जाएगी और बाकी जो रकम बचेगी उसमें से अटैचमेंट के अखराजात उसकी ऑक्शन वगैरह के सारे अखराजात निकाल के बाकी जो भी रकम होगी वो जो जजमेंट डेटर होगा उसको वापस कर दी जाएगी। उसके बाद है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, अगर वो किसी तौर भी डिग्री की एग्जीक्यूट डिग्री सेटिस्फाई करने पे नहीं आ रहा तो कोर्ट उसको अरेस्ट करके जेल भी भिजवा सकती है। ये मुख्तलिफ मोड्स हैं डिग्री को एग्जीक्यूट करने के। क्लास डी पे चलते हैं। बाय अपॉइंटिंग रिसीवर, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उस प्रॉपर्टी के लिए कोई ना कोई रिसीवर भी मुकर्रर करना पड़ेगा। फिफ्टी वन पे हम पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के मोड्स क्या हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएगी कोर्ट। अगर डिग्री होल्डर एग्जीक्यूशन फाइल करता है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले डिलीवरी, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसने मांगी थी अपने सूट में वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसको डिलीवर की जाएगी। अगर तो मनी सूट था और जो डिक्री पास की गई है वो किसी ना किसी रकम की पेमेंट के लिए है तो फिर उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करके या बगैर अटैच किए उसको सेल करके उसकी जो जो डिग्री होल्डर होगा उसे कीमत अदा की जाएगी और बाकी जो रकम बचेगी वो जजमेंट डिग्री को वापस कर दी जाएगी। उसके बाद तीसरा मोड है उसको अरेस्ट करके उसे जेल भेजा जा सकता है। चौथा है रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है या फिर कोई भी और तरीका। इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड मे रिक्वायर, कोर्ट को जो भी मुनासिब लगे कि ये रेमेडी ये जो रिलीफ है इसको डिग्री सेटिस्फाई करने के लिए या जो भी तरीकाकार उसको सही लगे कोर्ट उसको अपना सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है इसके साथ कुछ प्रोविजंस हैं वो साथ लिख लें आप। एक तो सेक्शन 94 सीपीसी का ही जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स है वहाँ पर एक क्लॉज है 94 की अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से रिलेटेड, ऑर्डर 40
एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 40। अच्छा जी, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट लेटर एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन द कोर्ट फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जेल भेजने की बात हो रही है कि अगर वो किसी भी तौर डिक्री की एग्जीक्यूशन पे नहीं आता या प्रॉपर्टी डिलीवर करने पे नहीं आ रहा तो फिर कोर्ट उसको शो कॉज नोटिस जारी करेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। सबसे पहले फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करने के लिए जो ऑर्डर्स हैं या वारंट नहीं निकाल देगी, बल्कि पहले उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्यों ना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर तुम डिक्री सेटिस्फाई करने पर नहीं आते हो तो फिर क्यों ना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब जब उसको शो काज नोटिस दिया जाएगा तो शो काज नोटिस के बाद वो कोर्ट में अपीयर होता है। अजान के बाद हम लोग फिर 7:30 बजे फिर हम करते हैं क्लास ज्वाइन अपनी।